स्टार्ट करते हैं अब इस एक लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आप स्ट्रीमलेट को यूज करते हुए ओपन सीवी के साथ किस तरीके से ऐप बना सकते हैं कि आप अपनी तस्वीर अपलोड करें डायरेक्टली स्ट्रीमलेट पे जो हमने कल काम किया था आप डायरेक्टली पाइथन में भी कर सकते हैं वो काम लेकिन अगर किसी को कोडिंग नहीं आती आप उनको ऐप बना के देना चाहते हैं वेब ऐप जो डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है एंड विच इज़ रिलेटेड टू ओपन सी या कंप्यूटर विजन से रिलेटेड है यू कैन डू दैट विद कपल ऑफ फंक्शंस और आज हम उसी को देखने वाले हैं कि किस तरीके से कौन से वो कपल ऑफ फंक्शन है जो हमें लगा के एक प्रॉपर ऐप जो है हम बना सकते हैं मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ ठीक है जी ये आपके सामने स्क्रीन मेरी शेयर होगी होगी ठीक है आज हम uh, मतलब विद इन फ्यू लाइन ऑफ कोड हम अपनी ऐप जो है उसे डिजाइन करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ इट इट वर्क्स यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ फिफ्टी क्योंकि फिफ्टी आपको पता है सीरियल नंबर है और मैं नई एक डॉट पाई की फाइल बनाने लगा हूं यहाँ पे, यहाँ पे फिफ्टी लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन सी वी डॉट पी वाई अच्छा हमने कल आपने देखा था ये नाम मैं गलत लिख के हूँ कोमा बीच में आगे दिस like कल आपने देखा था कि हम इंटरप्रेटर जो है हमने अपना नया ओपन सीवी का एक पूरे का पूरा इन्वायरमेंट बनाया था मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ और मैंने इसी के अंदर स्ट्रीम को इंस्टॉल कर लिया हुआ है ऑलरेडी ठीक है यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल स्ट्रीम लाइट इन साइड ओपन सी के इन्वायरमेंट के अंदर और यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ मामबा एक्टिवेट ओपन अंडर स्कोर ये मेरे पास नीचे आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था और यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर लिया ये वाला इन्वायरमेंट मैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट ऐड करता हूँ तो मेरे पास स्ट्रीमलेट आ जाएगी विच इज़ ऑलरेडी देयर सो आई डोंट नीड टू ऐड दिस वन राइट अब यार आप लोग ना मेरी बात सुन लें चैट में थोड़ा डिसेबल कर देता हूँ अच्छे खासे आप सभी मेच्यर लोग हैं तो जब बात यहाँ पे चल रही हो तो प्लीज़ मेरी तरफ ध्यान दे लिया करें आई नो कि आप लोगों को ये सब कुछ आता है बहुत ज़्यादा लोगों को लेकिन हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं ठीक है थीके? या तो आप ना ही आया करें ना क्लास में तो दैट्स अनदर ऑप्शन फॉर यू अच्छा जी तो यहाँ पे हमने जो काम करना है एक ऐप बनानी है बड़ी सिंपल सी ऐप और मैं इसको कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाने वाला हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं अब आज का दौर ऐसा है जो कल भी हमारी गुफ्तु हो रही थी या तो आप लाइब्रेरी या बने बनाए फंक्शन यूज़ करके एक डायरेक्टली ऐप में एक बटन में एक फंक्शन रख दें हर बटन में एक फंक्शन रख दें यानी कि अगर कोई क्लिक करे तो वो एज डिटेक्शन हो जाए क्लिक करें तो वो उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दे क्लिक करे तो उसको आर सेपरेशन में दे दे ठीक है समथिंग लाइक दैट तो उसको करने के लिए अगर आप फंक्शन डिफाइन कर लें फॉर एग्जाम्पल अगर वो फंक्शन चले किसी भी एक इमेज पे वो ऑटोमेटिकली ग्रे स्केल में हो जाए ऑटोमेटिकली उसके एज डिटेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली उसके बाकी काम हो जाए हम वही थ्योरी यहां पे अप्लाई करने वाले हैं और इस ऐप को आप देखेंगे इट्स वेरी सिंपल ऐप और इसके अंदर हम वो आ, सारा काम जो है उसको करने वाले हैं सबसे पहले हम लिखते हैं इम्पोर्ट सी वी टू ठीक है और इसके बाद हम लिखेंगे इम्पोर्ट ज एन पी ये दो लाइब्रेरीज होगी तीसरी है इंपोर्ट स्ट्रीम लिट एज एस टी और चौथी हमारे पास होगी इम्पोर्ट पिल ये पिलो लाइब्रेरी है अगर किसी को नहीं पता इसको मैं करता हूं या तो आप ये कर लें फ्रॉम पिल इम्पोर्ट इमेज या आप ये भी कर सकते हैं इंपोर्ट पिल डॉट इमेज एज इमेज आप ऐसे भी कर सकते हैं बट

इसने मुझे सजेस्ट किया चलो ठीक है टाइटल हम दे देते हैं अदरवाइज इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव टाइटल इनसाइड द फंक्शन जो मेन फंक्शन हमारा होता है यहां पे मैं करता हूं एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन टू कन्वर्ट द इमेज इनटू ग्रे स्केल ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे डिफाइन करेंगे एक फंक्शन को कन्वर्ट टू ग्रे और इसके अंदर इमेज को हम रखेंगे ऑब्वियसली जो इमेज हम इम्पोर्ट uh, करने वाले हैं उसको देन हम क्या करने वाले हैं सिंपली यहां पे या तो डायरेक्टली इसको ग्रे के अंदर कन्वर्ट करके रिटर्न कर दें या आप यहां पे लिख सकते हैं ग्रे इज इक्वल टू सीवी टू डॉट सीवीटी कलर इमेज को लेके उसको कलर बीजीआर से ग्रे में कर दो ठीक है एंड देन रिटर्न ग्रे ये एक सिंपल सा फंक्शन हमारे पास बन गया सो so, फंक्शन बनाने के भी कई तरीके हैं ये सबसे बेस्ट ये है कि आप डिफाइन करें फंक्शन को और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप दें उस ऑब्जेक्ट पे ये सारा कुछ फिर चलेगा यानी कि जहां जहां पे इमेज आएगा वहां वहां पे वो इमेज वाला फंक्शन चल पड़ेगा ठीक है सो ग्रे का मतलब है कि इमेज के ऊपर so मतलब ये हुआ कि जब हम लिखेंगे कन्वर्ट टू ग्रे उसके अंदर इमेज का कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा नाउ वी पे, पे हमने एक और काम करना है हमने टू डिटेक्ट एजेस टू डिटेक्ट एजेस आपको पता है कल हमने इसको काम किया था डिटेक्ट एमेज एजेस की बेस पे हम क्या करते थे इमेज का थ्रेश होल्ड और हाई थ्रेश होल्ड लेवल भी हम रख सकते थे लेकिन इसको मैं सिंपलीफाई करने वाला हूँ सिर्फ एजेस को हम रखते हैं यहाँ पे और सेम वही काम करना है, हमने अपनी मर्जी से खुद ही एजेस यहाँ पे रख दिए ठीक है हंड्रेड और टू हंड्रेड जो हमारे पास है और ये हमारे पास एजेस का बन गया इसी तरीके से हम डिफाइन फंक्शन करेंगे अगेन Define function to detect faces. अपना लोड किया था ओपन सीवी के अंदर यहाँ पे हम उसको लोड करेंगे जिससे क्या होगा हमारे पास जो फेसिस है वो आ जाएंगे ठीक है तो डिटेक्ट फेसिस हम इस तरीके से लगा सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे फेसिस आ जाएंगे फेसिस तो आ जाएंगे लेकिन we have to also हम क्या कर सकते हैं सिंपली मैं आपको पूरा फंक्शन यहाँ पे दिखाता and then it will be fine. हमने किया सबसे पहले डिटेक्ट फेसिस की यहाँ पे इमेज के ऊपर ये पूरा फंक्शन लगाना है जो कल हमने किया था फिर ये पूरा क्लासीफायर हमने बुलाया फिर यहाँ पे हमने ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना यू कैन डू इट अदरवाइज यू कैन जस्ट कमेंट आउट दिस वन एवर रिटेन

title नहीं title title of web app हम यहाँ पे अब टाइटल डिफाइन करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं ओपन सीवी ऐप फॉर स्मॉल फंक्शंस इमेज प्रोसेसिंग टास्क या फंक्शन उसकी रीजन क्या है कि ये बहुत बड़ी ऐप नहीं है दिस इज वेरी सिंपल वन एंड स्मॉल वन तो हम उसको यहाँ पे बनाते हैं एंड देन वी विल सी कि हम कौन-कौन सी चीजें यहाँ पे ऐड करते हैं ठीक है अब सबसे पहले तो ये है कि हमने एक बटन बनाना है जिससे फाइल अपलोड करे कोई समझ रहे हैं बात को उसके लिए हम क्या करेंगे एट अ बटन टू अपलोड द फाइल इमेज फाइल फ्रॉम यूजर इसको करके हम यहाँ पे कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अपलोड फाइल एस टी डॉट फाइल अपलोडर ये आपको पता है मैंने पिछली दफा भी बताया था कि एस टी डॉट फाइल अपलोडर के, के थ्रू आप कर सकते हैं इसको और टाइप की जगह पे आप लिस्ट दे सकते हैं पूरी कि किस किस किस्म की आपने टाइप रखनी है ठीक है मैं यहाँ पे जेपी जी पी और हमारे पास एक और होती है जिसको हम बोलते हैं जे पी पी जी दिस वन ये तीन टाइप्स यहाँ पे आ सकते हैं ठीक है थीके? अब हमने बताना है कि क्या करना है ठीक है हमने यहाँ पे अब डिफरेंट किस्म का फंक्शन लगाने हैं ताकि हमें इफ और एल्स कंडीशन में लग जाए पता अगर फाइल अपलोड हुई है तो उसके अंदर क्या हो रहा है अगर फाइल अपलोड हुई है JPG की तो उसके साथ क्या करना है अगर फाइल अपलोड हुई है कि और तो उसके साथ क्या करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे कोड को पेस्ट करता हूँ ताकि मैं सिर्फ आपको कोड समझाने हम वन वन हमने पे लगाई, अगर फाइल आ गई तो हम क्या करते हैं कन्वर्ट टू एन ओपन सीवी इमेज तो सबसे पहले तो हमने उसको ओपन सीवी इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है वो कोई भी फाइल हो सकती है तो ओपन सीवी इमेज के अंदर कन्वर्ट करने के क्या होगा उस फाइल की जो फाइल का साइज है वो

इमेज ग्रे यानी कि कन्वर्ट टू ग्रे वाला फंक्शन लगाते हैं तो ये ऑब्वियसली आपकी इमेज जो है वो उस बटन के थ्रू आ जाएगी ठीक है एस टी डॉट बटन हमने लगाया जो उस पर क्लिक करेंगे ग्रे स्केल में 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 चली 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 जाएगी में चली जाएगी जाएगी एजेस फेसेस एंड दैट्स इट फॉर योर ऐप ये बहुत ही स्मॉल सिंपल सी ऐप है इसको मैं रन करता हूं अब स्ट्रीमलेट रन फिफ्टी ओपन सीवी डॉट पाई इसको मैं अब आपको दिखाता हूं कि ये ऐप किस तरीके से दिखती है and then we can make a kind of experiment on this app. just a minute. ये जस्ट सिंपल सी ऐप आप है आपके सामने आपको नजर आ रही होगी ठीक है यहाँ पे ओपन सीवी की ये ऐप है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब फाइल अपलोडर की बात आती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे इस तरीके से अपलोडर आ गया ठीक है अभी कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने इफ कंडीशन के साथ लगाया जैसे मैं यहाँ से ब्राउज करके कोई भी इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट दिस इमेज जो मेरे पास ऑलरेडी है या मैंने एक नेट से उठाई है ये वाली इमेज इसको मैं ले आता हूँ ठीक है आई जस्ट टू गेट फ्रॉम नेट इंटरनेट अब आपके पास तीन बटन शो हो गए कन्वर्ट टू ग्रे स्केल कन्वर्ट डिटेक्ट एजेस एंड डिटेक्ट फेसेस इफ आई क्लिक ऑन दिस ऑटोमेटिकली तो यहां पे फंक्शन फंक्शनिंग होगी ग्रे स्केल में कन्वर्ट ठीक है तो इस तरीके से आपकी एप्स बनती है क्लिक किया डिटेक्ट एजेस हो गए थ्रेश होल्ड हमने खुद रखा हुआ है अगर आप यहाँ पे थ्रेश होल्ड की वैल्यूज यूजर से लेना चाहे यू कैन ऑल्सो डू दैट ठीक है बट हमने एक बिल्कुल ही सिंपल सी एक ऐप बनाई है बिकॉज वी वॉन्ट टू सी किस तरीके से चल रहा है और यहाँ पे हमने फेस डिटेक्ट किया तो यहाँ पे फेस आ गया अब क्योंकि हमने फेस डिटेक्शन से पहले यहाँ पे इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया हुआ था और जो इमेज हमारे पास आई है वी आर कन्वर्टिंग स्केल एंड वी आर डिटेट इंग द फेस इस वजह से ये यह यह यहाँ पे शो हो रहा है इस तरीके से उसकी रीजन ये है कि अगर मैं आपको कोट दिखाऊँ यहाँ पे इन साइडर के अंदर जाके तो हियर वी डीड दिस वन राइट डिटेक्ट मल्टी स्केल और यहाँ पे हमने इसको ग्रे के अंदर कन्वर्ट कर दिया था सो यू कैन आइर हाइड इट और शो इट तो आपके पास ये सिंपल सी एक ऐप बन जाएगी अब ये तो मैंने सिंपल सी आपको तीन चार फंक्शन के साथ ऐप बना के दिखा दी वट एल्स यू कैन डू विद काइंड ऑफ कंप्यूटर विजन ऐप मैं अभी आपको बताने लगा सी आप में से कितने लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दैट नाउ टूडे इन ग्रुप आपके साथ मिलकर एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करेगा दूसरे बंदे उसको सजेस्ट करेंगे कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ बिग ऐप बाकी फिर कोड सभी के साथ शेयर हो जाएंगे एंड देन यू कैन यूज दैट फॉर योर पोर्टफोलियो इस वजह से जरा गौर से सुनिएगा हम आप क्या कर सकते हैं सबसे पहली चीज स्ट्रीमलिट के अंदर फंक्शनैलिटी है आप पूरे के पूरे पेज को कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं यानी कि लिख लीजिएगा इस चीज को साथ साथ यहां एक कॉलम ये दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम column. आप कॉलम्स के अंदर चीजों को डिवाइड कर सकते हैं ठीक है सो यू कैन से कि पहले कॉलम के अंदर यूजर इनपुट्स आए सेकंड में उसकी आउटपुट आए थर्ड में डिफरेंट चीजें आए सो फर्स्ट थिंग इज टू डिवाइड दैट इनटू डिफरेंट कॉलम आप वो कर सकते हैं सेकंड आपके माइंड में कौन कौन से फंक्शन आते हैं विच कैन बी यूजफुल फॉर दिस काइंड ऑफ स्मॉल ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया कलर एक्यूरेसी को कोई आप लट्स लगा सकते हैं अगर किसी को नहीं पता तो लट्स एक ऐसा ऑटोमेटिक फिल्टर आप कह सकते हैं वो हो सकता है वो आप ऐड कर सकते हैं आप इसको रोटेट फिल्टर रोटेट करके या फ्लिप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करने की ऑप्शन दे सकते हैं आप इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं

कोड विद मी विद अस, यूजुअली, सो मैं यहां पे अपने स्क्रीन को स्टॉप करता हूं